कि पिछले 20 वर्षों से मैं अपने पिता के साथ लगातार काम किए जा रहा हूँ और मुद्दा बस वही है कि जो राजेंद्र बाबू ने परिवार बनाया है उसको सुरक्षित अगर रखना है तो मुझे वोट दे, राजेंद्र बाबू ने जो समाज में काम किया उसे सुरक्षित रखना है तो मुझे वोट दे, बेरमो की एकता के आधार पर, बेरमो की प्रेम और खुशहाली के आधार पर अगर उसे समृद्ध रखना है तो मुझे वोट दे। हाँ, अगला साल अगर मैं जीतता हूँ और 4 साल काम करने का काम करता हूँ तो निश्चित तौर पर अगला चुनाव मेरे नाम पर, मेरे कर्म पर होगा, लेकिन ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र बाबू के नाम पर है, राजेंद्र बाबू के काम पर है और राजेंद्र बाबू के संस्कार पर विश्वास करते हुए उनके बेटे पर है। विपक्षी कहते हैं कि इनके सरकार में अशांति रहती है, आप किसके कहते हैं? सरकार को बने हुए 8 महीना हुआ है और शांति तो पूरे विश्व में फैली हुई है कोरोना की, और कोरोना काल में भी हेमंत सोरेन जी ने GST का पैसा आने के बाद भी, नहीं आने के बाद भी जनता पे बोझ देने का काम नहीं किया, उन्होंने कोरोना काल में लड़ाई लड़ने का काम किया और आज देखे 95% रिलीफ हो गया है, वेंटिलेटर आपको कम से कम नहीं भी नहीं तो 70% वेंटिलेटर खाली है पूरे झारखंड में, ये निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की उपलब्धि बनाती है, बताती है। आपको किसान का कर्ज माफ हुआ, उसके लिए प्रस्ताव बढ़ा, आपको पारा शिक्षक के लिए आगे काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन काम करने का प्रयास करे। 100 यूनिट बिजली फ्री किया गया, राजेंद्र बाबू और हेमंत सोरेन जी जब कैबिनेट में थे तो 70 रुपया बिजली आता था, उनके जाने के बाद 400 रुपया 350 रुपया आने लगा, आज हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है तो उन्होंने 100 यूनिट फ्री किया है। स्थानीयता का मुद्दा को देख लीजिए तो स्थानीयता को कैसे लोग जो झारखंड में रह रहे हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो जो टेंडर्स डालने लोग आएंगे उसमें आपको यहाँ के लोगों को 25% में रखना है तो उसकी बात सुनिश्चित की गई है, तो निश्चित तौर पर काम दिख रहा है। और 8 महीना में 5 साल का काम वो नहीं गिना पाए, 14 महीना का काम हेमंत सोरेन जी का नहीं गिना पाए, हा? और आज 8 महीने की सरकार पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। दीपक प्रकाश जी का मैं देख रहा था, वंशवाद की बात कर रहे थे, मेरे पिता को तो ऊपर से मुझ पे गर्व हो रहा होगा कि उनके जाने के बाद मैंने कम से कम बेरमो से भागने की तैयारी नहीं की, कम से कम जिस बेरमो ने उन्हें इतना कुछ दिया था उस बेरमो में रह के उनके राह पर चलने का निर्णय लिया, लेकिन जो वंशवाद की वो बात कर रहे हैं, क्या जैन सिन्हा जी को यशवंत सिन्हा जी का वंशज नहीं मानते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी में बाप बेटे ही को लड़ाया जा रहा है। क्या पंकज जी को राजनाथ सिंह का वंशज नहीं मानते हैं? अमित शाह के बेटे जय शाह में क्या खूबी थी जो BCCI के बन गए? मैं तो 20 साल यहाँ पे रह के काम कर रहा हूँ और जिस वंशवाद की बात कर रहे हैं शायद वो भूल रहे हैं कि उन्हीं के वंशज और उन्हीं के पूर्वज ने यहाँ पे काम करने का काम किया है, कोई दीपक प्रकाश जी ने काम करके यहाँ से 6 बार जीतने का काम नहीं किया, इसलिए दूसरे के घर पर पत्थर उछालने से पहले अपने घर पर देख लें। बीजेपी के लोग, युवाओं को क्या उम्मीद, युवाओं को उम्मीद रहना भी चाहिए। देखिए मैं साफ तौर पर बोलता हूँ, युवाओं को रोजगार देना राज्य सरकार और प्रधानमंत्री का काम होता है, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का काम होता है, युवाओं को रोजगार को विधायक सांसद नहीं देता, विधायक सांसद क्षेत्र की विकास कर सकता है, लेकिन हाँ अगर उसके बीच में से कोई आदमी जीत कर जाता है तो निश्चित तौर पर उसको ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि उसके विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई उद्योग आए या कोई ठेकेदार आए तो सबसे पहले प्राथमिकता जो है वहाँ विधानसभा के युवाओं को मिलनी चाहिए। विधानसभा में कोई असर नहीं पड़ेगा, आसू का अपना कुछ वोट नहीं था, आसू संबंधित काशीनाथ जी का वोट वो आया था जो हमेशा आते रहता है और काशीनाथ जी को मनाने में पूरी आसू और बीजेपी पार्टी लगी हुई है, और शायद आप बोल रहे हैं काशीनाथ सिंह जी जिस जाति से आते हैं उसी जाति से मैं भी आता हूं, तो जाति पे भी भटकाने का काम वो नहीं कर सकते, और ये चुनाव ना जाति और ना धर्म और ना समाज, ये चुनाव बेरमो की एकता और बेरमो के भविष्य के आधार पर लड़ा जाएगा। 40 साल से बेरमो में कांग्रेस का, लालचंद माथुर जी ना बेरमो में पहले थे ना हैं ना आगे रहेंगे, लालचंद माथुर जी मेरे गार्जियन हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ते लड़ते जो चीज करेंगे उससे मैं सीखूंगा, अगला चुनाव उनके सिखाए हुए गुण पे मैं लड़ने का काम करूंगा। एक सवाल दिया, 40 साल से बेरमो में कांग्रेस का झंडा रहा है, ऐसे में कौन से मुद्दे को लेकर के आप आएंगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस से ही आ रहे हैं? 40 साल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, करीब 40 50 साल से रहा, जी मान लिया, ठीक है, और आप शायद ये भी जानते होंगे कि 50 साल से आज तक जो भी बेरमो में कुछ है वो कांग्रेस ने दिया, DVC उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है, कोल इंडिया उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है, भंडारी दा सेल उद्योग कोई बीजेपी का देन नहीं है,
तो निश्चित तौर पर जो विकास हुआ बेरमो में वो आदरणीय राजेंद्र बाबू ने किया। आपको हीरक रोड का जो मरम्मत जो बना हीरक रोड 116 करोड़ में राजेंद्र बाबू ने दिया। पांच पांच कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज, 3 इंटर कॉलेज राजेंद्र बाबू ने दिया और वो भी अपने पैसे उसे खरीद के सरकार को दान देने का काम किया। आज कौन सा विधायक दान देने का काम करता है? वो तो मिला था बाटुल जी को सेल से जमीन विस्थापितों के नाम पर, वो भी जमीन ले लिए, उस जमीन पर उन्होंने घर बनाने का काम किया, उसी में कोई स्कूल खोल के बेरमो की जनता को झारखंड सरकार को दान दे देते तो समझ में आता कि राजेंद्र बाबू की सोच रखते। विधानसभा में जो हमने काम किया है वो हम समझते हैं कि 70 साल के इतिहास में इस 10 साल को माइनस कर दिए तो बेरमो जीरो था। वो चाहे पुलिया के नाम के क्षेत्र में हो, पेयजलापूर्ति के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, और उसके बाद आप सड़क का, ग्रामीण सड़क का तो जाल बिछ गया, पीडब्ल्यूडी के कई सड़क बने, दामोदर में एक भी पुल नहीं था। इस 2 कार्यकाल में हमने 5 पुल बनवाया। खांजो नदी में एक पुल नहीं था, खांजो नदी में आज 6 पुल है। आज श्यामलता नदी में एक पुल नहीं था, 3 पुल है गरगा जैसा जगह। और जो हमारे अभी जरीडी प्रखंड के 42 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी का रोड बन रहा है, अभी दांतू से जो आपको चलकरी तक होते हुए करगली गेट तक और सिल्ली साड़म से लेकर के कठारा तक का जो पथ बन रहा है उसमें 3 पुल के साथ हम सीधे तौर पर बेरमो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से कटा हुआ था, कोयलांचल जो 3 है वो बिल्कुल छटा हुआ था वो आज। लेकिन विधायक जी आप इतना उपलब्धि का काम गिना तो जनता फिर आपको पिछले बार नकार दिए, पुल के नाम पे लड़ना चाह रहे हैं। आखिर जनप्रतिनिधि इसलिए भी लोग भेजते हैं चुन करके कि क्षेत्र के जो अपेक्षित विकास है वो विकास का काम सरजमीन पर उतरे और सुशासन हो, शांति हो। हमारे 2 कार्यकाल में बेरमो के अंदर में शांति रहा है, सुशासन रहा है और हम समझते हैं कि आज के दिन में जो ये 9 महीना के अंदर इसके पहले भी 16 महीना की सरकार रही वर्तमान जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में, उसके पहले भी मधुकोड़ा का लूटकांड किसको नहीं पता है। तो ये सारे लोग जो है लूट के लिए इस राज्य में राजनीति करते हैं, विकास का कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन सवाल है विधायक जी, यदि कोई करता है तो जब तक एनडीए का सरकार बना है तब तक क्षेत्र का विकास हुआ है झारखंड का। देखिए गठबंधन है और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला बार गठबंधन नहीं हो पाया था जिसके चलते परिणाम थोड़ा विपरीत आया था और पिछला लोकसभा में भी आप लोगों ने देखा गठबंधन से हम लोग चुनाव लड़े और आज तक किसी भी सांसद को इतना अधिक वोट नहीं आया था उतना अधिक हम लोगों को मिला है, इसलिए निश्चित तौर पर हम लोगों का गठबंधन चुनाव जीतेगा।